Hello everyone, welcome back to my channel BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये हमारी पार्ट टू वीडियो है और अगर आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में जनरल डिफिनेशंस करी थी और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ा था. तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेरिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन. तो ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो, पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना. मेमरी ग्लैंड्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, बिकॉज ये एक मेन रोल प्ले करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर में. तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हाउ दे आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, बिकॉज ये सपोर्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और जो भी आगे प्रेगनेंसी के बाद जो भी चाइल्ड केयर होती है उसमें. नेक्स्ट, जैसे हमने मेल सिस्टम में पढ़ा कि जो टेस्टीज हैं वो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है एंड दे प्रोड्यूस गैमेट, दैट इज स्पर्म, है ना. तो वैसे ही यहाँ पे जो ओवरीज हैं वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है इन केस ऑफ फीमेल्स. दे ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स और वो गैमेट्स हैं हमारे ओवम. तो आप अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे ओवरीज के अंदर ओवा अरेंज्ड है डिफरेंट स्टेजेस में. जैसे हमने मेल के केस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमने देखा था कि जो स्पर्मेटोगोनिया हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में अरेंज्ड हैं और मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं. यहाँ मैं आपको दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंपेयर करके बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा और इस टाइम हम क्या पढ़ रहे हैं और इन दोनों को कंपेयर कर पाएं कि किस तरह से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट है और वो कैसे वर्क करते हैं. तो अगर आपको डिफरेंस में भी क्वेश्चन आता है तो आप क्लियरली लिख पाएंगे. नेक्स्ट आपके पास है, हमने मेल्स के केस में पढ़ा था कि मेल्स में एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं लेडिक सेल्स जो कि इंटरस्टीशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पे हमारे में जो ओवरी है, जो ओवा प्रेजेंट है, वो एक स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो इन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं ओवेरियन हार्मोन. ओवरीज जो है वो लोकेटेड है लोअर एब्डोमेन में बोथ साइड, क्योंकि पेयर ऑफ ओवरीज है. अब यहाँ पे जो ओवरीज है मतलब हैंगिंग नहीं है हमारे कोई भी ऑर्गन, या फिर वो डॉर्सल वॉल से या वेंट्रल वॉल से हमारी बॉडी की अटैच्ड है. तो इस तरह यहाँ पे जो ओवरीज हैं वो एक लिगामेंट से अटैच्ड है हमारी पेल्विक वॉल पे और यूट्रस भी. तो वो लिगामेंट का नाम है प्रॉपर लिगामेंट. नेक्स्ट, आप ये ओवरी का डायग्राम देख सकते हो. जब हम ओजेनेसिस पढ़ेंगे तब भी हम इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में. जो हमारी ओवरी है इसमें दो पोर्शन होते हैं, आउटर जो है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर साइड इज मेड्यूला. तो जो आउटर कॉर्टेक्स है, जो आपकी आउटर लेयर है जहाँ लिख रहा है ओवेरियन लिगामेंट, उसके बाद जो आप लेयर देख सकते हो आउटर कवरिंग जिसे हम कह रहे हैं, फिर और जो इनर लेयर है मेड्यूला जिसमें आपके ये सारे जो फॉलिकल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये सब स्ट्रक्चर हैं. नेक्स्ट, आपका जो ओवरी है इट इज कवर्ड बाय एन एपिथीलियम, और जो अभी मैंने आपको डिस्कस भी किया, एनक्लोजिंग द ओवेरियन स्ट्रोमा. तो ओवेरियन स्ट्रोमा में आपके सारे फॉलिकल्स एम्बीडेड हैं. और ये जो दो आपकी आउटर एपिथीलियम है, ये दो लेयर है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला. ठीक है, फिर आपके एसेसरी डक्ट्स, हमने मेल के केस में पढ़े थे एसेसरी डक्ट्स, वास डिफरेंस, वास डिफरेंशी ऐसे. तो वैसे ही यहाँ पे जो एसेसरी डक्ट्स हैं वो हैं फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, जो कि मिलके बनाते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स. तो अब आप डायग्राम में भी क्लियरली देख सकते हो कि फेलोपियन ट्यूब क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, जो कि एक्सटेंड हो रही है और अटैच होती है यूट्रस से. इसमें ये फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है. इसके जो तीन पार्ट हैं वो है इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस.
तो इनफंडिबुलम में आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं फिम्ब्रे। फिम्ब्रे इनफंडिबुलम का इनिशियल पार्ट है और ये हेल्प करता है जब ओविलेशन के बाद जब ओवम रिलीज होता है ना, तो इसे कैच करता है और इसे फेलोपियन ट्यूब में, मतलब फेलोपियन ट्यूब में लेके आ जाता है। तो आपका, हम बोलते हैं ना, एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में रहता है और स्पर्म वहाँ पे जब पहुँचेगा तो एक स्पेसिफिक प्लेस, जैसे हमारे इन जो फेलोपियन ट्यूब है वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। अगर एग फेलोपियन ट्यूब से आगे आ चुका है तब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इवन आफ्टर, अगर अगर आपका स्पर्म प्रेजेंट भी है तो, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब से आगे आके जो ओवम है वो डीजेनरेट होने लग जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट है एम्प्यूला। एम्प्यूला वाइडर पार्ट है, वो कर्व्ड। ठीक है, इनफंडिबुलम के बाद फिर आता है इस्थमस। इस्थमस नैरोअर पैसेज है एम्प्यूला से ज़्यादा और वो कनेक्ट होता है यूट्रस से। फिर अब हम यूट्रस के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही फैसिनेटिंग ऑर्गन है यूट्रस, बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है ना। सिंगल यूट्रस प्रेजेंट है, इसे हम वॉम्ब भी कहते हैं। ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड है, मतलब नाशपाती इन्वर्टेड शेप, मतलब उल्टा है ना। फिर ये लिगामेंट से सपोर्टेड है, अभी हमने जैसे पीछे भी पढ़ा प्रॉपर लिगामेंट से यूट्रस और ये सब अटैच्ड हैं। अब यूट्रस की जो माउथ है, यूट्रस का जो माउथ है या ओपनिंग है, दैट इज सर्विक्स। तो सर्विक्स बहुत ही नैरोअर ओपनिंग होती है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सर्विक्स और ये जो ओपनिंग है ये एक्सपैंड होती है टू 10 सेंटीमीटर और फिर ही डिलीवरी पॉसिबल है। ठीक है, तो सर्विक्स है, फिर सर्विकल केनाल और वेजाइना, तो ये तीनों पार्ट मिलके आपका बर्थ केनाल फॉर्म करते हैं। अब यूट्रस की थोड़ी जो लेयर्स और एनाटमी देखते हैं। यूट्रस जो आपकी है वो तीन डिफरेंट लेयर से मिलके बनी है। आउटर लेयर इज पेरीमेट्रियम, फिर मिडिल लेयर इज मायोमेट्रियम और इनर मोस्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो आउटर पेरीमेट्रियम थिन मेम्ब्रेनस लेयर है, मिडिल जो मायोमेट्रियम मायो मसल स्मूथ मसल से बनी है, और ये वो लेयर है जो बहुत ही फास्ट स्ट्रॉन्ग विगरस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, मीन्स ड्यूरिंग पार्चुरेशन। तो ये लेयर हेल्प करती है बेबी को पुश आउट करने के लिए थ्रू बर्थ केनाल। फिर आपकी इनर मोस्ट लेयर आती है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर लेयर है जो आपकी यूटराइन कैविटी को लाइन करती है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर है और ये वो लेयर है जो हर मंथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये डिफ चेंजेस इसमें होते हैं। इसकी जो साइज है वो चेंज, थिकनेस जो है वो चेंज होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो इनिशियल डेज हैं तब ये पूरी शेड ऑफ हो जाती है, और फिर जब प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है तो आपकी एंडोमेट्रियम भी बनती है, और जो आपका ल्यूटल फेज है उसमें सबसे ज़्यादा थिक हो जाती है एंडोमेट्रियम। ल्यूटल फेज आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है, जब हम वो पार्ट करेंगे तो हम वहाँ समझेंगे कि एंडोमेट्रियम कैसे चेंज होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो आई थिंक ये तीनों लेयर क्लियर है आपकी, पेरी मायो और एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट हम आते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बट आप सबको नॉलेज ज़रूर होने चाहिए अबाउट योर बॉडी, यू हैव टू नो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपके पास है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया मिनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। तो आप डायग्राम्स में भी देख सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो आप डायग्राम से। मॉन्स प्यूबिस कुशन कुशनी पार्ट है जो जिसमें फैटी टिश्यूज है एंड इट हैज़ प्यूबिक हेयर। फिर लैबिया मेजोरा, तो लैबिया मेजोरा आर टिश्यू फोल्ड्स हैं, ठीक है, जो एक्सटेंड डाउन होते हैं वेजाइनल ओपनिंग पे। फिर आता है लैबिया मिनोरा, ये भी पेयर्ड फोल्ड है जो प्रेजेंट होते हैं बिलो लैबिया मेजोरा या फिर अंडर द लैबिया मेजोरा। ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज पार्शली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। तो हम ये जो मेम्ब्रेन बात कर रहे हैं इसका साइज और शेप, हाइमेन, ये हाइमेन जो मेम्ब्रेन है इसके बारे में अभी मैं आपको और बताऊंगी। ये एक मेम्ब्रेन जो पार्शली कवर कर रही है वेजाइना को। ठीक है, और ये वेरी करती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हाइमेन का शेप और साइज डिफरेंट होता है। फिर क्लिटोरिस जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। तो आप देख सकते हो कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग है उसके बिल्कुल ऊपर क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है, ये एक थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये आपको ये पता होना चाहिए
कि जो पहले ये बिलीव होता था कि हाइमेन एक लेयर है, इट वो टॉर्न होती है ओनली ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स, और वो टॉर्न होती है तो ब्लड रिलीज होता है, तो इट शोज दैट द फीमेल इज वर्जिन, ठीक है, बट इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी या फिर फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्सपीरियंस, बट इट इज अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज जो शेप और साइज है हाइमन का वो वन फीमेल टू अनदर फीमेल या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, और इट हाइमन इज सिंपली अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो हाउ कैन यू डिसाइड द वर्जिनिटी ऑफ अ फीमेल या सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ अ फीमेल बेस्ड ऑन दैट पार्ट, क्योंकि ये जो हाइमेन है बहुत ही फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका शेप और साइज डिफरेंट होता है हर फीमेल्स में, तो और ये नॉर्मली भी ब्रेक हो सकती है ड्यूरिंग सडन फॉल या इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पॉन, ठीक है, और एक्टिव जो फीमेल स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं जैसे हॉर्स बैक राइडिंग और साइकिलिंग, तो हाइमेन पहले भी ब्रेक हो सकती है, ऐसा कुछ ये सब मतलब डिसबिलीव्ड है ये सब चीज़ें कि सिर्फ फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस में ये ब्रेक होती है. तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जिनिटी. ओके, नेक्स्ट आपके पास लास्ट हमने पढ़ा था मेमोरी ग्लैंड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो जो मेमोरी ग्लैंड है इन केस ऑफ फीमेल, हम इन्हें ब्रेस्ट भी कहते हैं, दे कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, इसमें ये दे आर रिच इन ग्लैंड और अमाउंट ऑफ फैट वेरी करता है फ्रॉम फीमेल टू फीमेल. तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि उसमें बहुत ज़्यादा फैटी टिश्यूज़ हैं, और ये जो फैटी टिश्यूज़ हैं इनके अंदर भी ग्लैंड हैं, ठीक है, देखो मेमोरी लोब्स हैं, मेमोरी लोब्स और फिर है मेमोरी एल्वियोलस, तो जो मेमोरी एल्वियोलस हैं ये मिल्क सिक्रीट करते हैं जो कि स्टोर होता है आगे जाके मेमोरी ट्यूब्यूल जो डक्ट है, फिर ये आगे जाके फॉर्म करती हैं लेक्टिफेरस डक्ट, और लेक्टिफेरस डक्ट फिर आउटर एरिया दैट इज नेप्युलर एरिया जो है उसे फॉर्म करती हैं. तो जो मेमोरी डक्ट है वो किससे बनी है, बहुत वाइडर मतलब फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला, तो मेमोरी डक्ट आगे जाके फॉर्म करती हैं एम्प्यूला जो कि कनेक्टेड है लैक्टिफेरस डक्ट से थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, ठीक है. तो ये और जो मेमोरी लोब्स हैं आपके जो ग्लैंडुलर टिश्यूज आप देख रहे हैं, तो इन ईच ब्रेस्ट 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट है जिन्हें हम एल्वियोलाई कह रहे हैं या फिर मेमोरी एल्वियोलस. तो ईच ब्रेस्ट कंटेन 50 to 20 मेमोरी लोब्स, तो इन बोथ द ब्रेस्ट प्रेजेंट होंगे 30 to 40 मेमोरी लोब्स, तो ये ध्यान रखेंगे. नीट में भी ये क्वेश्चन आया था तो बच्चे 15 to 20 मार्क कर दिया था, जबकि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हाउ मेनी मेमोरी लोब्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट या फिर मेमोरी ग्लैंड, तो वहाँ ये वर्ड क्वेश्चन में बस एक वर्ड चेंज किया था, ईच ब्रेस्ट को ईच वर्ड हटा दिया गया था, तो सबने 15 20 बच्चों ने गड़बड़ किया, 15 20 मार्क किया. तो आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे क्या बोला है, ईच ब्रेस्ट के केस में बोला है या फिर मेमोरी ग्लैंड्स के लिए बात हो रही है. इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया था कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उसके बिहाइंड ये कौन सी मसल प्रेजेंट है जो बिटवीन द रिब सपोर्ट कर रही है मेमोरी ग्लैंड्स को, तो वो मसल पेक्टोरालिस मेजर मसल है, तो इस तरह से ऑप्शंस दिए हुए थे पेक्टोरालिस माइनर और भी डिफरेंट नाम, तो याद रखेंगे पेक्टोरालिस मेजर मसल्स है. ओके, इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.